हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और बेसिक बातें पढ़ी थी, वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स को किस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, टाइप्स हमने देख ली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो पॉइंट्स हैं और आपने वेक्टर मालूम करने हैं, इसी से आगे हमने बढ़ना है। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि विलफर्ड हमारे पास दो पॉइंट है, एक को आप बोल दो पी, एक को बोल दो क्यू। कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे सवाल में, थ्री डायमेंशन में बात करें तो तीन कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे और आपको बोला जाए कि वेक्टर पी क्यू मालूम करो। वेक्टर पी क्यू ये वाला होगा जो स्टार्ट हुआ है पी से और एंड हुआ है क्यू के ऊपर। तो हमने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पी क्यू वेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, आप क्यू में से पी को माइनस कर दोगे। कोऑर्डिनेट्स थोड़े चेंज कर लेते हैं इसके, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू कर लो। तो अगर आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है तो जो फाइनल पॉइंट है उससे आप माइनस कर दो इनिशियल पॉइंट को, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर जो है ना वो आ जाएगा और उसको आप इस फॉर्म में लिखोगे। एक्स टू को माइनस करोगे एक्स वन से और इसके साथ आई लिखोगे, फिर वाई टू माइनस वाई वन इसके साथ आप जे लिखोगे, प्लस जेड टू माइनस जेड वन इसके साथ आप के लिखोगे। इस तरीके से आप क्या करते थे, वेक्टर्स मालूम करते थे दो पॉइंट की मदद से। अब इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट अंदाज में बुक ने लिखा हुआ है, यही बात है लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है। वो ये है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो ना तो आप इन दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालो और उससे फिर वेक्टर मालूम करो। जैसे दो पॉइंट्स है ना पी और क्यू, तो बुक ने डिस्कस किया था आप एक काम करो इनके पोजीशन वेक्टर निकालो, मतलब इस वाले पॉइंट को आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इस वाले पॉइंट को आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। कंसीडर कर लो, इसको हम कह देते हैं इसका आर वन कह देते हैं, इसको आर टू कह देते हैं। ये इनके पोजीशन वेक्टर है, मतलब आर वन जो है वो यहाँ पे बराबर है ओ पी के, आर टू बराबर है ओ क्यू के। ये एग्जाम्पल उस पर काम आएगी जब आपको दो पॉइंट ना दिए जाए, आपको दो पोजिशन वैक्टर दे दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल में जो पॉइंट पी है ना आपको इसका पोजिशन वैक्टर दे दिया जाए, इसी तरह पॉइंट क्यू का आपको पोजिशन वैक्टर दे दिया जाए, तो मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट के पोजिशन वैक्टर भी निकालो ना तो वो यही आएंगे। उसकी वजह यह है कि आप इनको जब ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स तो सबको पता है जीरो 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 होते हैं, तो जब आप पी और ओ वेक्टर, ये ओपी वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा, पी माइनस ओ के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ जो है वो ऑलरेडी जीरो है तो ये पी के बराबर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वही कोऑर्डिनेट्स होंगे ओ पी वेक्टर के, क्योंकि ओरिजिन से आप माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो पोजिशन वेक्टर ओ क्यू है, जो ये वेक्टर होगा वही एग्जैक्ट क्यू के बराबर होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, सेम ही बात है। तो अगर आपको उनके पोजिशन वेक्टर भी दे दिए जाए ना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पहले फॉर्मूला आपने इस तरह लिखा था, अब आप फॉर्मूला लिखोगे इस तरीके से ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब आपको दो पोजिशन वेक्टर दे दिए जाए सवाल में और बोला जाए, मतलब ओपी दे दिया जाए, ओ क्यू दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप पी क्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, जो क्यू का पोजिशन वेक्टर है माइनस जो पी का पोजिशन वेक्टर है उनको माइनस कर दोगे, और उसके बाद की वर्किंग एग्जैक्ट वही होगी क्योंकि ओ क्यू बराबर होगा क्यू के, ओ पी बराबर होगा पी के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो इसी चीज को उन्होंने थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है कि अगर पोजिशन वेक्टर गिवन होंगे तो फिर आप क्या करोगे, सेम यही मेथड होगा, इसी तरीके से आप करोगे। और उन्होंने थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी दिया हुआ है, इस पर ट्राइंगल लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लॉ लगा के ना उन्होंने सॉल्व किया हुआ है कि अगर आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व करो ना, ये आपका आर वन है ये आपका पी क्यू है, तो आर वन प्लस पी क्यू जो है ये बराबर होगा आर टू के, इससे आप इक्वेशन बना सकते हो, आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, आर टू यहाँ पे क्या ओ क्यू, तो ट्राइंगल लॉ लगाया ना, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ये इसका रिजल्टेंट है, तो आर वन और पी क्यू को एड करोगे तो आर टू आना चाहिए, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा पी क्यू बराबर है आर टू माइनस आर वन के, मतलब वही चीज है आर टू यहाँ पे ओ क्यू के बराबर है और ओ पी जो है वो आर वन के बराबर है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको सवाल में दो पॉइंट दिए जाए और बोला जाए कि वेक्टर निकालो, या आपको दो पोजिशन वेक्टर दे दिए जाए और फिर आपको बोला जाए वेक्टर निकालो, मेथड सेम ही होगा, फाइनल पॉइंट या अगर पोजिशन वेक्टर गिवन होगा तो फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, इस तरीके से आप आराम से एक वेक्टर मालूम कर लोगे। सही है, इसके क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। देखो असल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंबाइन किया हुआ ना, तो मेरी कोशिश ये है कि इन तीन क्लासेस में थ्योरी मेरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनको अलग क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोगों को अलग कर दूंगा, तो थोड़ा मसला भी हो सकता है आप लोगों के ध्यान से निकल सकती है बात नेक्स्ट वीक के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना तो ताजा हो जाएगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इस वीक जो है वो हम जो थ्योरी है वो पढ़ लेंगे, रमजान से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या तारीख है, 14 है ना, 15, हाँ रमजान से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक तो मैंने आप लोगों को ये बात बतानी थी, दूसरी बात कल मैंने आप लोगों को बताया था
पैरालेलोग्राम, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और बात है जो मैंने बतानी है। पैरालेलोग्राम पहले रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और आपने उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो सिंपल तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसको आप वेक्टर ए कह दो और दूसरा वेक्टर कंसीडर कर लो यहाँ पे, इसको आप वेक्टर बी कह दो। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आप निकालोगे? आप एक पैरालेलोग्राम बना लोगे। कैसे? आप एग्जैक्ट इस वेक्टर का फ्री वेक्टर यहाँ पे निकालो, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इसी तरीके इसका फ्री वेक्टर आप निकालो, इस तरीके का बन जाएगा। तो आपके पास एक पैरालेलोग्राम आ जाएगा। इस पैरालेलोग्राम में ये वाला जो डायगनल है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी। तो यहां तक तो कल मैंने आप लोगों को बात बता दी थी कि सिंपल ए और बी आपने एक पैरालेलोग्राम बनाना है। ये जो बड़ा वाला डायगनल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे इनके रिजल्टेंट को, मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे। इससे नेक्स्ट बात मुझे क्या बतानी थी कि यार ये जो छोटा वाला डायगनल है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना मैं भूल गया था आपको। कि बड़ा वाला डायगनल के बारे में तो आपने देख लिया, रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को। तो छोटा वाला डायगनल है ये वाला, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, देख लेते हैं। वैसे तो इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैं डायग्राम से आप लोगों को प्रूफ करवा रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज को डायग्राम से सॉल्व करोगे, ये क्या है, ये सिंपल ए माइनस बी है। ए माइनस बी को लिखने का तरीका क्या होता है? ए प्लस माइनस बी। अब आपने ए के अंदर माइनस बी को ऐड करना है, ये पूरा ए है। माइनस बी कल भी बताया था कि एग्जैक्ट यही वेक्टर होगा लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से एग्जैक्ट यही वेक्टर है लेकिन आपने उल्टी डायरेक्शन में इसको बना दिया, बस और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। तो ये जो वेक्टर बना है ये माइनस बी है, ये बी वेक्टर था, एग्जैक्ट आपने क्या कर दिया यहाँ पे, माइनस बी कर दिया। और ये एग्जैक्ट इसके पीछे जाएगा, थोड़े एंगल पे लग रहा है आप लोगों को, ये एग्जैक्ट पीछे एक्सटेंड कर दो इसको, इस तरीके से। तो ये वेक्टर क्या कहलाया जाएगा? माइनस बी कहलाया जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस डायग्राम को आपने कंप्लीट करना है। ये ए है और ये माइनस बी है। आप नीचे भी एक पैरेललोग्राम बनाओ, कैसे? एग्जैक्ट इसको यहां पर ट्रांसलेट करो, इसी तरह इसको यहां पे करो। तो रिजल्टेंट क्या होता है, अगर आपको बताओ रिजल्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ये जो ए है और ये जो बी है, रिजल्टेंट अगर देखो दोनों की टेल से स्टार्ट होता है और दोनों के हेड पे खत्म होता है जाके। लाइक दोनों की टेल से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पे होता है? दोनों के हेड पे खत्म होता है। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ये इसका हेड है यहाँ पे और ये इसका हेड है। तो अगर आप देखो रिजल्टेंट आपका स्टार्ट होगा दोनों की टेल से और खत्म कहां पे होगा? हेड। तो ये चीज यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए और माइनस बी के रिजल्टेंट को। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा? ये सिंपल लैंग्वेज में ये कौन सा वेक्टर है? ये ए माइनस बी वेक्टर है। सही है, दोबारा बताता हूँ, उसके बाद आखिरी चीज होगी यहाँ पे कि ये पूरा ए था, ये पहले बी था। अब आपने क्या मालूम करना है? आपने ए माइनस बी मालूम करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए के अंदर माइनस बी को ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे माइनस बी बनाया, अब ये ए है और ये माइनस बी है, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जो टेल से स्टार्ट होता है और हेड पे खत्म होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा? ये होगा एग्जैक्ट। इसको अगर आप यहाँ पे ले आओ ना तो ये इधर बनेगा, इस तरीके से। ये असल चीज मैं समझा रहा था कि जो आपने ए माइनस बी बनाया ना, इसका फ्री वेक्टर निकालो, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो अब मैं कंक्लूजन आपको क्या देना चाह रहा हूँ कि जब आप एक पैरेललोग्राम बनाते हो ना, तो जो उसका बड़ा वाला डायगनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी को, और जो छोटा वाला डायगनल होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो बात है जो आपको बुक में एक साथ ही मिलेगी, अलग से उन्होंने डिफाइन किया वो पूरा, लेकिन एक ही डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि बड़ा वाला डायगनल प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा वाला डायगनल जो है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां तक का मसला? ये सब टॉपिक बुक में लिखे हुए हैं लेकिन अलग अलग लिखे हुए हैं, मैं एक ऑर्डर में पूरा बता रहा हूं ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। तो यहां तक इश्यू नहीं है किसी को, चलो अच्छी बात है। कितना अच्छा मिला, माशाल्लाह। अच्छा, अब जो टॉपिक है ये सब टॉपिक कॉमन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के चैप्टर्स में सब बातें लिखी हुई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊं नहीं, क्योंकि इतना ही बुक में लिखा हुआ है, क्या क्या बताऊं मैं। अब जो एक और कॉमन टॉपिक है जो आप लोगों का भी है और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का भी है, वो ये तीन चीजें हैं जिनको आप बोलते हो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन रेशियोस। ये तीन चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है। अगर आप समझना चाहो डायरेक्शन रेशियोस थोड़ा लग सकता है, लेकिन मैं इजी अंदाज में समझाता हूँ आपको। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है, थ्री डायमेंशन के अंदर आप यूज करते हो, टू डायमेंशन के अंदर मजा नहीं है। थ्री डायमेंशन के अंदर आप यूज करते हो कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको एक अलग थ्री डायमेंशन सिस्टम पता होना चाहिए। अब मैंने कल भी थ्री डायमेंशन बड़ी मेहनत करके आप लोगों को समझाया था किस तरीके से एक्सेस पूरे बन रहे होते हैं। तो
दोबारा कोशिश करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि मजीद आप लोगों का हल जो है क्लियर हो जाए। तो इसको आप इस तरह समझो कि ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया जेड एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, तकरीबन सही बना है, ठीक है। ये आपके तीन एक्सिस हैं, सही है। गौर से समझा डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। आपका एक अदद कोई पॉइंट है स्पेस में, कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, आप क्या करोगे उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे। अभी मैं डायग्राम लिख रहा हूँ लेकिन मैं टू डायमेंशन में बनाऊंगा, साइड से बात है, मैं थ्री डी में तो नहीं दिखा सकता बोर्ड पे, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन है। बुक में डायग्राम बहुत अच्छी बनाई हुई है, मैं बनाया लग दूंगा टाइम लग जाएगा। कंसीडर करता है पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट आपको लग रहा है वाई जेड, वाई जेड के नहीं है ये, समझ लो ये एक्सिस है ना, ये यहाँ पे होगा कहीं, ये जो टिप है ना इसकी समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट है पूरा, इधर एक दरमियान में पॉइंट होगा, जो वाई जेड के ऊपर नहीं है, ना वो इधर है ना वो नीचे है, वो एक दरमियान में पूरा पॉइंट है, ठीक है। तो उसको कह दो फॉर एग्जाम्पल पी, और आप उसको ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, तो कोई पॉइंट दरमियान में था, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, तो इस टाइप की एक लाइन जा रही है, इस टाइप की यूं करके अगर आप देखो एक लाइन जा रही होगी, ये पॉइंट पी है, इसको आपने ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, मुझे बताओ यहाँ तक कहानी समझ आ गई ना, क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। ये पॉइंट था, इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब डायरेक्शन एंगल समझ लो क्या होते हैं, ये आपका वाई एक्सिस था, ये जो पूरा पोजिशन वेक्टर बन रहा है ना, इस पोजिशन वेक्टर और वाई एक्सिस के दरमियान ये जो एंगल बन रहा होगा इसको आप बोलोगे बीटा। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर और ये जो एक्स एक्सिस था सामने वाला, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा इसको बोलोगे अल्फा, और ये जो पोजीशन वेक्टर और जेड के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा इसको बोलोगे आप गामा। अब मैं यहां पे बनाता तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि जेड वाई क्या दरमियान एंगल बन रहा है, लेकिन अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, वरना पी और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल समझ नहीं आता, मैं कैसे टू डायमेंशन में बनाता। लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा जो पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है, इसका एंगल एक्स एक्सिस से, इसका एंगल वाई एक्सिस से, इसका एंगल जेड एक्सिस से, ये सब एंगल जो होते हैं कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। लेकिन ये ट्राइंगल वाले अल्फा बीटा गामा नहीं है कि इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा ना, ये अगर आप कहीं और बना दोगे तो मसला आपका बड़ा खराब हो जाएगा, बहुत सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे चला गया तो आप देखो जेड कितना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा जेड नीचे तक जा रहा है पूरा, तो अगर आप थोड़ा इमेजिन करो ना इसको, अगर ये पॉइंट नीचे चला जाता है आप देखो जेड कितना बड़ा बन रहा है यहाँ पे, तो ये मतलब गामा आपका कितना बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा बीटा अगर आप शामिल करोगे तो इनका सम तो डेफिनेटली 180 से बड़ा हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा गामा जो है ये ट्राइंगल वाले नहीं है कि जिनमें आप प्रॉपर्टी लगा दोगे इनका सम 180 डिग्री के बराबर है, नहीं, ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, 180 डिग्री से छोटा होना तो शायद मुश्किल है, हो सकता है किसी सिचुएशन में छोटा भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल, तीन होते हैं अल्फा बीटा गामा, इनको आप कहोगे डायरेक्शन एंगल्स। अब सवाल ये कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इन एंगल्स का आप कोसाइन ले लो, तीनों एंगल्स का जब आप कोसाइन लोगे तो अब आप इसको क्या बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन, और तीसरी चीज क्या पढ़ी है आपने, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, मतलब जो आप लोगों के पास पॉइंट था ना उसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लो, एक्स वाई जेड है ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना इनको आप डायरेक्शन रेशियोज कहते हो, मतलब जो आपके सामने लिखे हुए ना एक्स वाई जेड, मतलब जो पॉइंट था जिस पॉइंट को आपने ज्वाइन किया था ओरिजिन से और एक पोजिशन वेक्टर बनाया था, तो वो जो एक पूरा पोजिशन वेक्टर बन रहा है ना उसके कंपोनेंट क्या होंगे, उसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड ही होंगे। मैंने अभी बताया था कि जब आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हो ना तो उस पॉइंट में और उसके पोजिशन वेक्टर में आपको फर्क नजर आएगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं ना, तो पोजिशन वेक्टर की बात करो या उस पॉइंट पी की बात करो आपको एक जैसे लगेगा, उसके कंपोनेंट आपको एक ही जैसे लगेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप पोजिशन वेक्टर बनाओगे ना और इस पोजिशन वेक्टर के आप एंगल निकाल लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो जो इस पोजिशन वेक्टर के आपके कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड, जिसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो इस तरह लिखोगे ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये इस पोजिशन वेक्टर के जो कंपोनेंट है ना एक्स वाई जेड, इसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्शन रेशियोज। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने सीखना था इस टॉपिक के अंदर, दूसरी चीज आपने इनकी जो असल मुश्किल चीज है जो मैं समझा नहीं सकता, अगर आपको शौक हो तो बुक में डायग्राम बनी हुई उन्होंने समझाया है, ये मेरे समझाना बड़ा मुश्किल है, राइट ट्राइंगल थ्री डायमेंशन में आप लोगों को इमेजिन करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मुले ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसके फॉर्मुले असल में डिराइव करने हैं आपने, इसके फॉर्मुले डिराइव करने का सिंपल एक तरीका है और ये थ्री डायमेंशन में वैलिड है, मैं आपको बस वाई का बता रहा हूँ,
ताकि आइडिया आपको क्लियर हो जाए, लेकिन जब थ्री डायमेंशन में आप बनाओगे फॉर्मुला हर जगह वैलिड होगा। सिंपल क्या है कि जैसे मैंने क्या बोला है कि पोजिशन वेक्टर और वाई के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा इसको आप बीटा बोलोगे, ठीक है। आप क्या करो, आप इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पे बना दोगे। अब किस तरह राइट ट्रायंगल बनेगा वो आप इमेजिन करोगे तो आपको बात समझ आएगी। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? कॉस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगी, ये पूरी चीज जो है इस पॉइंट की वाई वैल्यू होगी, ये जो है पूरी वाई वैल्यू होगी ना, तो आप लिखोगे वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ये जो आपके पास पूरा है ये हाइपोटेन्यूस है जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, नॉर्मली ये जो ओपी होता है ना पोजीशन वेक्टर, इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, जो पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है ना नॉर्मली हम इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस जो कि वाई के बराबर है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, इस आर जो पोजीशन वेक्टर है इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड इसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस बीटा का। अब बाकी फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो, कॉस अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स अपॉन आर का मॉडुलस, और इसी तरह कॉस गामा का फॉर्मूला हो जाएगा जेड अपॉन आर का मॉडुलस। तो ये आपके पास तीन जो डायरेक्शन कोसाइन है ना उनके फॉर्मूले मैंने लिख दिए, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले लिखते हो। अब अगर आपको बोला जाए ना कि डायरेक्शन कोसाइन आपने निकालना तो आपको आना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो मुश्किल बात नहीं है, सिंपल जो आपको पोजीशन जो पॉइंट गिवन होगा ना आप उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे, उस पोजीशन वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे उस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा ना। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप क्या करते हो, तीनों जो कंपोनेंट होते हैं उनके स्क्वायर करते हो और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए आप उसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे, उस पोजीशन वेक्टर में जो एक्स कंपोनेंट है उसको आप डिवाइड करोगे उस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास कॉस अल्फा आ जाएगा, वहां से आप अल्फा भी निकाल सकते हो। सेम बीटा के लिए आप वाई को डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड से, और कॉस गामा के लिए आप जेड को डिवाइड करोगे उसके मैग्नीट्यूड से, इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता है तो आप आसानी से डायरेक्शन एंगल भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो, और डायरेक्शन रेशियो तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, वो तो आप आराम से कर लोगे। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, जो आपके बुक ने मेंशन किया है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और तरीका भी मेंशन किया है, ठीक है। वो तरीका पढ़ने से पहले आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ करवानी है, आइडेंटिटी ठीक नहीं रहेगा वर्ड्स में, सिंपल एक फॉर्मूला कह लो वो प्रूफ करवाना है आपको। वो फॉर्मूला क्या ही वाला जो बुक ने लिखा हुआ भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला डिराइव करवाया है। तो ये बड़ा इजी है डिराइव करने के लिए, कॉस अल्फा ये होता है ना, तो आप इसमें पुट करो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो आपने स्क्वायर करना है इसको। कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन, प्रूफ करना है आपने। फिर आप क्या करो, डिनोमिनेटर में आपके पास आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पता है पूरी चीज किसके बराबर होगी, अभी आपने देखा था कि आर का जो मैग्नीट्यूड आप निकाल लेते हैं कैसे निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जो न्यूमरेटर है ना इसके जगह आप लिख दोगे ये पूरी चीज किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन के बराबर। तो दैट्स व्हाई ये इसको याद रख लेना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये हमेशा वन के बराबर होगा, वेयर अल्फा बीटा गामा ये ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी। कोई सवाल है, इसमें सिर्फ कॉस क्यों फोकस किया गया है, मैं साइन टेन ये क्यों फोकस नहीं किया गया? उसकी वजह कि मेरे ख्याल में परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, ये वजह आपको बेस तो पता है यहाँ पे क्योंकि इस पॉइंट का जो वाई वैल्यू है वो बेस। अब मैं अगेन वही बात देखिए थ्री डायमेंशन में, ये तो मैं एक दफा अपनी बुक खोल लूँ ना तो शायद क्लियर हो जाए बातें। ये है पेज नंबर 320 के ऊपर, तो 320 एक दफा खोल लो ताकि समझ आ जाए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये वाई एक्सिस कहाँ पे है, ये पूरा वाई एक्सिस है, ये पॉइंट दरमियान में होगा, दरमियान में ना, तो कुछ ना कुछ इसकी वाई वैल्यू होगी। इसको ज्वाइन कैसे करोगे, आप प्रोजेक्शन गिराओगे वाई एक्सिस के ऊपर,
हाँ इसका परपेंडिकुलर हमें मिलेगा नहीं, ये इसकी रीजन है कि जो परपेंडिकुलर आपको थ्री डायमेंशन में डायग्राम नजर आ रही होगी ना, आपको बेस तो उसकी पता होगी। इसी तरह इस वाले केस में भी आपको बेस पता है कि जो पॉइंट है ना, इसे जब आप एक परपेंडिकुलर जो बनाओगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, अभी उन्होंने ड्रॉप किया है, अगर आप डायग्राम देखो फिगर 9.7 है 320 के ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना इस पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ आपको नहीं पता होगी, बेस की लेंथ पता होगी। ये पूरी चीज एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है सिंपल, जैसे वाई कोऑर्डिनेट था और इस पॉइंट का कुछ ना कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो इन सब केसेस में आपको ट्राइंगल की ना बेस पता होगी, परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, और आपको क्या पता है हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस का लेना देना क्रॉस से ही होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी बात वो ये है कि एक तरीका तो निकालने का आपने देख लिया था कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, आप एक्स को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ये सब चीजें आ जाएंगी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होता। एक और इसका बड़ा इजी तरीका है कि जो पोजीशन वेक्टर गिवन है ना, उस पोजीशन वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्या मतलब, जैसे यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है पी, ठीक है, ओपी जिसको हमने आर का नाम दिया ना, ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपको वेक्टर गिवन है पोजीशन वेक्टर, जिसपे आपने क्या किया था इसके एक्स को डिवाइड किया था इसके मैग्नीट्यूड से, तो डायरेक्ट कॉस अल्फा आ गया था। तो ये काम आप अलग अलग कर रहे हो ना, अब आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, आप यूनिट वेक्टर निकाल लो इसका। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आर का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये वही काम तो कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, क्या करोगे इसके बाद, सिंपल जो आर वेक्टर है यहाँ पे पुट कर दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय आर का मॉडुलस। यार आर के मॉडुलस को खाली आप इस तरह भी लिख सकते हो, जब मैंने ऊपर सिंबल नहीं लगाया इसका मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करोगे, हो जाएगा एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। तो अगर आप देखो जो पोजिशन वैक्टर गिवेन है, अगर मैं उसका यूनिट वैक्टर निकाल लू ना, तो यूनिट वैक्टर का जो आई के साथ लिखा हुआ है वो कॉस एल्फा का फॉर्मूला है, जो जे के साथ लिखा हुआ है वो कॉस बीटा का फॉर्मूला है, और जो के साथ लिखा हुआ है वो कॉस गामा का फॉर्मूला है। इसका मतलब मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट वेक्टर निकाल लो, मेरे पास तीनों डायरेक्शन कोसाइन जो है वो आ जाए। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप ले सकते हो, कोई भी एक वेक्टर आप एज्यूम करो गिवन होगा आपको, आप उसका यूनिट वेक्टर निकालना, जैसे यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसका आई कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसको जनरलाइज लैंग्वेज में आप इस तरह लिख सकते हो कि एक्स अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा आई, ये हो जाएगा कॉस बीटा जे, ये हो जाएगा कॉस गामा के। तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो यूनिट वेक्टर है ना उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको डायरेक्शन को साइन आसानी से दे देते हैं। ये थोड़ा इजी तरीका लग जाएगा आपको, एक साथ सब आंसर आ जाएंगे। करिए पूरा टॉपिक है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में कॉमन है, देख लो इसको। देखो इस चैप्टर में मैं पहले से क्लियर कर दूं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डेरिवेशंस है, मेरा पहली डेरिवेशन में दिल नहीं चाहता, और डेरिवेशंस के क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते, ये समझ लो। सेकंड ईयर वाले बच्चे तो रिलेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर टू में आप लोगों ने फॉर्मुला पढ़ा था इंटरनल डिवीजन का, सेक्शन फॉर्मुला जिसको हम कहते हैं, उसकी वेक्टर फॉर्म इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो अब पूरी प्रूफ करवाई भी है, फिर उसकी एग्जाम्पल्स हैं, फिर आगे अगर आप देखो 3.1 जो है फर्स्ट ईयर की, उसमें पूरे उन्होंने प्रूफ किया हुआ है, डिफरेंट डेरिवेशन है। इसी तरह सेकंड ईयर जो है उसमें आई गेस 9.4 है या 9.2 है, उसमें आप सवाल देखो सारे डेरिवेशन टाइप के सवाल है, तो मेरा वैसे उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो पेपर में आ रहे होते हैं, तो वो मेरा काम नहीं है करवाने का। मेरा मकसद होता है कि आपको जो वेक्टर्स में जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसके बाद जो क्वेश्चंस बुक में है जो मतलब सेंस बनाते हैं और जो पेपर में आते हैं वो मैं करवा देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह 3 क्लास में कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मुझे लगता है कि रेलिवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, मैं सबके सॉल्यूशन करवा दूंगा, जिनके नहीं आते गाइड भी है मेरे पास, मेरे लिए करवाना मसला नहीं, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फालतू काम हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशंस को याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर क्वेश्चन ज्यादा करो ना उनके कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशंस काइंड ऑफ ये रट्टा मारना पड़ता है आपको, तो इसलिए वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं कर पाऊंगा। तो जो कॉन्सेप्ट है ना उन पे जरा फोकस करो ज्यादा। जैसे ये प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन की, कल आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो, सुन लो बस आइडिया में क्लियर हो आप लोगों के जहन में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जल्दी से बताओ, a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, आप ए और बी को आपस में ऐड करो या बी और ए को आपस में ऐड करो, एक ही बात है। तो जहां पे ये चीज फॉलो हो रही है उसको आप बोलते हो कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करना कम्यूटेटिव है, मैटर नहीं करता आप किस ऑर्डर में करते हो।
इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले आप बी और सी को ऐड करो और फिर उनको ए में ऐड करो, ये बराबर है कि पहले आप ए और बी को ऐड कर लो और उनको आप सी में ऐड कर लो, एक ही बात है। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बुक ने प्रूफ डिस्कस किया है, जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था आइडेंटिटी का, किसी को याद है आइडेंटिटी क्या होती है? कॉन्सेप्ट जीरो नहीं बोल देना, आइडेंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है यार? फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो पता होनी चाहिए बात। मतलब आइडेंटिटी का किसी को भी नहीं पता। देखो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आप किसी बाकी नंबर से ऑपरेट करवाओ और उसको फर्क ना पड़े। जैसे जीरो जो है आप उसको किसी भी नंबर में ऐड करवाओ, उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो जो है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह वन जो है, वन भी एक आइडेंटिटी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ होता। तो वेक्टर जो एडिशन है ना, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे रियल नंबर्स में जीरो जो है वो आइडेंटिटी है, आप किसी भी नंबर में ऐड करो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वेक्टर्स के अंदर जो जीरो वेक्टर है वो आइडेंटिटी होती है, कि अगर आप जीरो वेक्टर जो है उसको किसी भी वेक्टर में ऐड कर दो, उस ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आप जीरो वेक्टर को ऐड करो। जीरो वेक्टर की नोटेशन ये होती है, जीरो लिखो और उसके ऊपर एरो डाल दो। अगर आप प्रिंटिंग में कर रहे हो तो जीरो को बोल्ड कर दो, लेकिन अब मैं यहाँ पे बोल्ड कैसे करूं? खैर, तो आप इसमें ऐड करो उस वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो नल वेक्टर होता है या जीरो वेक्टर होता है, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, बस पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स का। इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो बता दो भाई, कोई इनवर्स क्या होता है? एक इनवर्स एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ए के अंदर माइनस ए ऐड कर दो तो जीरो के बराबर होगा। हाँ, इसको आप इस तरह समझ लो, इनवर्स ये होता है कि जब आप किसी नंबर को उसके इनवर्स में ऐड करते हो तो रिजल्ट में जीरो आता है। जनरलाइज अगर बात करूं, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने बात किया ना, मैं जनरलाइज बात करता हूँ, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी नंबर को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हो, आप ऑपरेट कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ भी, तो जब भी आप किसी नंबर को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हो तो रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिलती है। जैसे आपने टू को माइनस टू में एड करवाया तो रिजल्ट में आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक वेक्टर ए है, आप इसको किस में ऐड करवाओ कि आपको आइडेंटिटी मिले, आप इसको माइनस ए में ऐड करवाओ तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। अच्छा, नॉर्मली बच्चे इसको जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं, वेक्टर्स के रिजल्ट में आपको जो वेक्टर को जब आप ऐड करोगे ना तो रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिलता है, तो वो नजर आपको जीरो आ रहा होता है लेकिन उसको आप जीरो वेक्टर कहते हो। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप ए और उसके नेगेटिव को ऐड करोगे रिजल्ट में जीरो नहीं बोलोगे, आप जीरो वेक्टर बोलोगे इसको, ठीक है? इन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि जो वेक्टर एडिशन है वो क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है कि यार रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिले, कि वेक्टर्स को ऐड करो तो रिजल्ट में कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, वेक्टर ही मिलेगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, आपने ऐड किया तो रिजल्ट में वेक्टर मिलना चाहिए आपको। तो ये बस प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए, बाकी ऐसा जितनी जरूरत नहीं है इसकी। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, कल भी आप लोगों को बताया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, कि आप किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो फर्क ये पड़ता है कि डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड में ही फर्क पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि मैटर नहीं करता, जैसे वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपकी नंबर के है उसको वेक्टर ए से इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या आप इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, फिर उन्होंने एक वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर आपके पास दो स्केलर है, एक को के बोल दो और एक को फॉर एग्जाम्पल नहीं एक को पी बोल देते हैं एक को क्यू बोल देते हैं, तो अगर आप क्यू को ए से मल्टीप्लाई करो और फिर जो रिजल्ट आए उसको आप मल्टीप्लाई करो क्या कहते हैं पी से, ये बराबर है कि आप पी क्यू को पहले मल्टीप्लाई कर दो जो रिजल्ट आए उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह ये बराबर होगा कि पहले आप पी को ए से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो इसी किस्म की उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है, देख लेना इसका। तो ये एक टॉपिक था प्रॉपर्टीज वाला, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये जो टॉपिक कहलाता है ना प्रॉपर्टीज वाला, ये प्योर मैथमेटिक्स होते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि नॉर्मली बच्चों को पसंद नहीं होती। ये जो प्योर मैथ है ना, ये नॉर्मली बच्चों को नहीं पसंद आती, आप लोगों को जो पसंद आती है वो अप्लाइड मैथ होती है,
ये जो कैलकुलस इक्वेशन ये अप्लाइड मैथ के अंदर आ रहा होता है। प्योर मैथ जो है ना वो काफी खुश्क होती है। प्योर मैथ का सिंपल काम होता है डेरिवेशन, प्रूफ, किसी स्टेटमेंट को चेक करना ट्रू है फॉल्स है, बहुत फालतू टॉपिक है। एक ग्रुप्स का टॉपिक था फर्स्ट ईयर के अंदर, वो प्योर मैथ है। तो ये प्रॉपर्टीज सब ना उससे रिलेटेड है, तो बच्चों को काफी अजीब लग रही होती है। लेकिन मैंने कहा हल्का फुल्का आइडिया हो जाए तो बात अच्छी हो जाएगी। तो वेक्टर्स के बारे में आपने बेसिक बेसिक सारी बातें पढ़ ली है। अब एक और टॉपिक है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स के अंदर, वो है मल्टीप्लीकेशन। अभी तक आपने वेक्टर की एडिशन देख ली है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन देख ली है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन देख ली है, लेकिन अब आप देखोगे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो किस्म की होती है, मतलब आप वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। या तो आप उनको स्केलर तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हो। वो क्या होती है कि जब आप हाँ बल्कि क्या होती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फर्क है इन दोनों में, जल्दी बताओ। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी बन जाती है और क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही जवाब है नहीं कि वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि रिजल्ट में आपको कोई नंबर मिले, स्केलर मिले, उसको आप कहोगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन या डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि दरमियान में डॉट यूज करते हैं उस तरह डॉट प्रोडक्ट है। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि आपको रिजल्ट में वेक्टर मिल रहा है, मतलब दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में आपको वेक्टर मिले, इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो या क्रॉस प्रोडक्ट भी कह रहे होते हो। तो फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, चलो इसके बाद बता दूंगा। एक और टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट के बाद प्रोजेक्शन का, वो भी सवाल है। देखिए पहले डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। हाँ, डॉट प्रोडक्ट सिंपल क्या होता है, अगर आपके पास वेक्टर ए है और आपके पास वेक्टर बी है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा। वेयर थीटा यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर ए और बी के दरमियान का एंगल। कंसीडर कर लो ये ए है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो इनके दरमियान का जो एंगल बन रहा होगा इस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको कॉस थीटा भी लिखा जाता है या कभी इस तरह भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कॉस ए कॉमा बी भी लिखा जाता है, ये जहन में पता होना चाहिए। कॉस के अंदर आप एंगल ही पुट करते हो, तो अगर ए कॉमा बी लिखा हुआ है ना तो आपको बताना चाह रहे हैं ए और बी के दरमियान का एंगल, क्यों बोलना चाह रहे हो आपको, तो कॉस थीटा बोले या कॉस ए कॉमा बी बोले, बात एक ही होती है। ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, इसके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स में पूरा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। एक चीज बता दूं, थीटा जो है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान होता है। उसकी वजह ये है कि आप दो वेक्टर्स के दरमियान जो सबसे छोटा वाला एंगल है, एक तो बड़ा वाला एंगल भी है वाला, ये नहीं आप ले रहे होते, आप स्मॉलेस्ट एंगल ले रहे होते। तो दो वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान ही होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर इस तरह है, तो अब जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 180 के करीब होगा। कंसिडर कर लो एक वेक्टर इस तरह है और दूसरा वेक्टर इस तरह हो जाता है, तो अब एंगल क्या हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, 180 तक जाएगा, उसके बाद अगर आपका वेक्टर इस तरह हुआ ना, तो अब ये वाला एंगल आप लोगे, स्मॉलेस्ट आप एंगल ले रहे होते, और ये डेफिनेटली 180 से कम होगा। तो कहने का मतलब आपका जो एंगल है वो हमेशा 0 और 180 डिग्री के दरमियान ही होगा, जो थीटा जो है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी टॉपिक में डॉट प्रोडक्ट का इतना आप थोड़ा पढ़ लो, अब हम जरा प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है उससे फिर एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर दोबारा वापस हम डॉट प्रोडक्ट पे आएंगे और हमारी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आप टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाने लगा हूं प्रोजेक्शन क्या है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्शन से पहले भी एक और टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, रेजोल्यूशन का। ये जो ज्यादातर टॉपिक है ना, ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट है ज्यादा। अगर आप देखो ये जो 4-5 मिनट में डिस्कशन करने लगा हूं ना, ये ज्यादातर जो सेकेंड ईयर के बच्चे उनके लिए वैलिड है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक है नहीं जो 3-4 मिनट में डिस्कस करूंगा, लेकिन सुन लो फायदा हो जाएगा थोड़ा। किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करना, ये अगर आपको याद हो आपने फिजिक्स को पढ़ा होगा, दो तरीके से आप रेजोल्यूशन कर सकते हो। या तो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूशन करते हो, जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कि अगर आपका एक वेक्टर इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दे दो ये ए है, तो आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। कैसे, कि ये इसका ए कंपोनेंट है जिसको आप एक्स कंपोनेंट कहते हो, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है जो कि वाई कंपोनेंट है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में रेक्टेंगुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एक तो वेक्टर्स को रिजोल्व करने का ये तरीका होता है। फिर आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे आप इसको, ए एक्स प्लस ए वाई। अगर आप थ्री डायमेंशन में बात कर रहे हो तो तीसरी चीज क्या आ जाएगी, ए जेड। तो ये जो वेक्टर की रेजोल्यूशन है ना, इसको आप कहते हो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। कि जिस सिस्टम में आप रिजोल्व कर रहे हो ना, वो सिस्टम रेक्टेंगुलर सिस्टम है। अगर आप देखो रेक्टेंगुलर आपने सिस्टम के अंदर रिजोल्व किया इसको। उसके बाद इसका एक और अगला स्टेप था जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कि AX, ये जो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है ना, इसमें जो एक्स एक्सिस है इसके लॉन्ग आप लेते हो यूनिट वेक्टर आई को, और इसके लॉन्ग लेते हो यूनिट वेक्टर जे को।
तीसरे की आप खुद ही बात समझ सकते हो। तो होता है कि जो ए एक्स है, इस वेक्टर को आप कैसे मालूम करोगे? मैंने पहले भी बताया था वेक्टर को मालूम करने का तरीका क्या होता है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। सिंपल फॉर्मूला क्या है कि अगर आपने किसी वेक्टर को मालूम करना है तो आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ होता है डायरेक्शन बताना, और मैग्नीट्यूड आपने खुद मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका मतलब पूरा वेक्टर आपके पास आ जाएगा। आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो वही काम करना है आपने, ये जो ए एक्स वेक्टर है इसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई, तो आप आई लिख दो, और ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है? वो ए के बराबर हो जाएगा। सिंपल वो आप निकाल भी सकते हो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ना, यहाँ पे ये बेस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉस आप यूज करो, ये थीटा है ना, तो कॉस थीटा क्या होगा? ए वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए एक्स का मैग्नीट्यूड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए एक्स सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ए वाई अपॉन, सॉरी उल्टा कर दिए, टेंजेंट अप्लाई करना, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए एक्स और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? ए के बराबर, ठीक है। तो ए एक्स सिंपल क्या हो जाएगा? मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हो ना, तो मैग्नीट्यूड का सिंपल तरीका निकालने का ये होगा कि कॉस थीटा अप्लाई करो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है डिवाइडेड बाय, और सबके मैग्नीट्यूड आप लोगे, ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स होगा। इसी तरह ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हो, या एरो हटा के लिख दो आप इस तरह, जहां से आप ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ए को जाके मल्टीप्लाई कर दो कॉस से। तो कहने का मतलब अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो इतना मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला सिंपल है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये टॉपिक फिजिक्स में चला जाएगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, मैंने आपको मेरा आइडिया यहाँ पे दे दिया कि ए एक्स वेक्टर को निकालने का तरीका है। अब मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना है, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, कोई क्वेश्चन आप लोगों के नहीं है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जान नहीं चाह रहा। इसी तरह इसको अगर आप देखो, ये ए वाई है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए वाई जे। इसी तरह इसको लिख सकते हो ए जेड के। तो ये जो आपने बच्चों वेक्टर रिजोल्व किया है ना, इसको आप कहते हो वेक्टर की रेजोल्यूशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आप कह सकते हो ऐसे सिस्टम में जो कि 90 डिग्री सिस्टम था, मतलब उसमें एक्सिस जो है वो 90 डिग्री थे। ये बात मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था, ये बात जानना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो अगली बात बताने लगा हूं ना, इसका ज्यादातर ताल्लुक सेकंड ईयर वाले बच्चों से, वो ये है कि अगर रेजोल्यूशन आपकी रेक्टेंगुलर सिस्टम में ना हो, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जो रेक्टेंगुलर ना हो, तो फिर रेजोल्यूशन आपकी क्या होगी? इस टॉपिक का नाम है, और ये सवाल पेपर में भी आता है आपको, 9.3 का सवाल है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ए कह देते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ बी एंड सी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दो ही वेक्टर का जिक्र करें जिनकी डायरेक्शन में आप, जैसे ये वेक्टर था ना, आपने इनको दो डायरेक्शन में रिजोल्व किया था, लेकिन ये जो दो थे ना ये रेक्टेंगुलर थे, मतलब आपस में 90 डिग्री बना रहे थे। लेकिन अब जो बी और सी है ना, आपने ए को रिजोल्व करना है बी और सी के अंदर, लेकिन बी और सी रेक्टेंगुलर नहीं है। अब इस टाइप के होंगे, कंसीडर कर लो बी आपको यहां पे नजर आ रहा है वेक्टर, और सी को जिस टाइप का एंगल बना रहा होगा, ये देखो ये 90 डिग्री नहीं है। यहां पे जब आपने जिन दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था ना, ये दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री बना रहे थे। इसको इधर भी आप कर सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो ना, बात एक किया ए वाई को, तो ए वाई और ए एक्स आपस में क्या बना रहे थे? 90 डिग्री बना रहे थे। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है, इसमें जिन वेक्टर्स पे आप मतलब इसको डिवाइड, सिंपल तरीका ये होता है कि इस वेक्टर को आपने बाकी वेक्टर्स के सामने लिखना है, जैसे वेक्टर ए था ना, इसको आपने बाकी वेक्टर्स के सामने लिखा है, तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, ये वाले वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो फर्क क्या पड़ेगा? कंसीडर करो आपका वेक्टर ए है कि यहाँ पे जा रहा है, ये पूरा ए वेक्टर है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि यार ए को आपने रिजोल्व करना है दो वेक्टर की डायरेक्शन में, वो एक बी है और एक सी है, तो अब इसके रिजोल्व करने का तरीका क्या होगा? आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखो, कैसे? कंसीडर कर लो ये पूरा बी है ना, इसकी लेंथ हम थोड़ी आगे कर देते, फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम आपने बना दिया, तो ये पैरेललोग्राम आपने बना दिया। अब मुझे नहीं पता इस बी की डायरेक्शन पैरेललोग्राम से आगे भी जा सकती है, ये बी छोटा भी हो सकता है, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाना था। पैरेललोग्राम आपको पता है किस तरह बनाने का तरीका होता है, कि डायगोनल है ना, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है एग्जैक्ट उसी एंगल की आप एक लाइन बना देंगे। ये दिखने में थोड़ा काफी बेहुदा लग रहा है, एक सेकंड में थोड़ा सा एंगल इसका पीछे बनेगा इस तरह, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से इसको भी आप उसी अंदाज में बना लो कि एग्जैक्ट इसके पैरेलल आपने एक लाइन बनानी है, कंसीडर करो इस तरह आपने बनानी है, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखना, बी छोटा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बी इतना भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, ये पूरा बी वेक्टर होगा। आपने बस डायगोनल जो गिवन था ना, जो वेक्टर ए गिवन था जिसको आपने रिजोल्व करना था, वो आपने इस तरह लिखा हुआ है, और उसकी मदद से आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है।
अब बी की लेंथ छोटी है बड़ी है कितनी भी है हमें फिलहाल इससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास पूरा सिस्टम बन रहा है वो रेक्टेंगुलर नहीं है क्योंकि आपको देख रहे हो एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ए के कौन से दो कंपोनेंट है, ये ए का कंपोनेंट, गौर से समझना इस बात को, ये पहला कंपोनेंट है ए का पूरा, ए की बात कर रहा हूं, ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट। यहां पे आपने ए को इन दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलूंगा ए को आपने रिजॉल्व करना है इन दो कंपोनेंट में, ये जो पूरा कंपोनेंट है इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं क्यू बोल देता हूं। अब फर्क क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसलिए मैं दोबारा बता दूं ताकि आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यहां पे जो ए है ना, ये जो ए आपने बनाया है इसको आपने रिजॉल्व करना है नॉन रेक्टेंगुलर में। पहले तो रेक्टेंगुलर में होता था ना, स्ट्रेट अवे आप इस तरह बना लिया करते थे, अब रेक्टेंगुलर में नहीं आपने करना। तो आपने इसको इस एंगल पे किया, जो एंगल यहां पे होगा उस एंगल पे आपने पैरेललोग्राम पूरा बना लिया, ये पैरेललोग्राम पूरा बन गया। इस ए के दो कंपोनेंट यहां पे हैं, एक ये वाला कंपोनेंट है पूरा, एक ये वाला पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है ना इसके डायरेक्शन में आपके पास एक वेक्टर बी है, तभी इस टॉपिक का नाम क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड सी। कि ये जो ए का कंपोनेंट है ना ये किस डायरेक्शन में, ये बी के डायरेक्शन में, और ये जो पूरा कंपोनेंट है ये किसके डायरेक्शन में, ये सी की डायरेक्शन में। सी आप बना सकते हो ना यहाँ पे, कंसीडर कर लो सी इतना भी हो सकता है, सी छोटा भी हो सकता है, सी बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी सी हो सकता है। मैं थोड़ा छोटा लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो एक कंपोनेंट है वो बी के डायरेक्शन में और जो दूसरा कंपोनेंट जो है वो सी के डायरेक्शन में वेक्टर किया है। अब क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट आपने यूज क्या करना है, ये जो वेक्टर बी है, अब समझ आता तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो डायरेक्ट फॉर्मूला उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये जो वेक्टर बी है ना आपने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि आपने इसको स्ट्रेच करना, आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लाओगे। असल में आपको ये पूरा कंपोनेंट है ना, ये पूरा कंपोनेंट मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि थोड़ा स्ट्रेच होके इस तरह बन जाए। उस चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये जो पी है मतलब ये जो पूरा बड़ा वेक्टर है किसके बराबर होगा, कि आप ये जो वेक्टर बी है ना इसको किसी नंबर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह ये जो दूसरा कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने क्यू का नाम दिया था, कि जो ए का ये दूसरा वाला कंपोनेंट है जिसको मैंने क्यू का नाम दिया है, ये किस डायरेक्शन में, ये सी के डायरेक्शन में, मतलब क्यू और सी में फर्क सिर्फ लेंथ का है, डायरेक्शन तो सेम है। तो आप क्या करो, आप सी को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि वो क्यू के बराबर आ जाए। तो कंसिडर कर लो मैंने सी को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसी मैं एक्स और वाई निकाल लूंगा तो मैं ए को इन दो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल में ए बराबर होगा 2b + 3c, फॉर एग्जाम्पल b को मल्टीप्लाई करो 2 से तो a कंपोनेंट उसका इस वेक्टर में होगा, a कंपोनेंट क्या हो जाएगा c को मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो अभी x और y को कैसे निकालना है वो जब आप लोग सवाल करोगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने वेक्टर को रिजॉल्व करना है किसी और दो वेक्टर की डायरेक्शन में तो आप क्या करोगे, उन पहले वाले वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इसी चीज को अगर आप 3 डायमेंशन में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जेड डी जो तीसरा वेक्टर है ना बी सी डी उसको किसी और नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक कहलाता है कि वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व किया है इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी डी, ये पूरा फॉर्मूला है। अब इसमें एक्स वाई जेड अगर आप निकाल लोगे तो डायरेक्ट ए जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा इन तीन वेक्टर्स के अंदर। अब वो कैसे निकालना है वो जब हम सवाल करेंगे 9.3 का तब आपको आइडिया होगा। ये टॉपिक खत्म हो गया, तो अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, बल्कि आ जाना चाहिए समझ। कोई सवाल यहां पर, देखो पहले भी बताया था, कल दास से मेरी बात हो रही थी कि मैंने कभी भी वेक्टर्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा जब पढ़ाता था मैं कहता था ये फॉर्मूला रिजॉल्व करने का तरीका, तो उनमें से एक दो बच्चे होते थे जो मेरे टाइप के होते थे, वो कहते थे कि सर बच्चा बताए ना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैं उनको बोलता था कि यार इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा यार जब मैं ये सब बताऊंगा ना तो आधी क्लास को बोलेगी सर क्या मतलब क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इस दफा मैंने कहा थोड़ा टाइम है तो बेहतर है, दूसरा फर्स्ट ईयर की मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा यार आप वेक्टर बच्चों को सही तरह पढ़ा दो, जिसको पसंद आ रहा है तो सुन लेगा, जिसको नहीं पसंद आ रहा वो फिर मेन फॉर्मूला देगी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो दैट्स व्हाई अभी रीजन आप बताते हो ना ये चीजें बुक में लिखी हुई बड़ी अच्छी लगती है, जब समझाने लगते हो ना तो फिर बंदा पक जाता है पूरा। लेकिन मेरी कोशिश है थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग क्लियर हो जाएगी सब चीजें कहाँ से आ गई, खैर ये पूरा फॉर्मूला बन गया, जब इस्तेमाल करेंगे तो हम देख लेंगे इसको। यही कॉन्सेप्ट जो है ना ये अगले टॉपिक में काम आएगा, तभी मैंने पहले ये कर रहा था, एक ऑर्डर में लेके जा रहा था। वो अगला टॉपिक क्या है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्शन वाला। हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ये फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा,
ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि फिजिक्स में आपने ना पढ़ा होगा। तो जरा रिवाइज कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट था कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर ए है और एक आपके पास वेक्टर बी है। आपने वेक्टर बी की प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब शेडो आप समझ लो कि वो निकालनी है ए के ऊपर, बी का शेडो ए पे जो पड़ रहा होगा उसकी लेंथ आपने निकालनी है। ये बी है, इसका शेडो जो है वो ए के ऊपर पड़ रहा होगा ये पूरा। अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये चीजें आपको इतनी कोई टीचर बताएगा नहीं, तो मुझे नहीं मिली कहीं ना, हमारे टीचर ने बताया था, शायद कोई अच्छे टीचर आजकल मार्केट में आ गया, अपने जमाने में मुझे नहीं पता थी बात कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए के दो आंसर होते हैं। एक आंसर होता है कि जो प्रोजेक्शन है आप उसकी लेंथ निकालना चाह रहे हो, ये पूरी प्रोजेक्शन है ना, आप इसकी लेंथ निकालना चाह रहे हो, आपको वेक्टर से कोई कंसर्न नहीं है, आपको बस लेंथ पता होनी चाहिए इस शेडो की, इस तरह समझ लो, तो उसका फॉर्मूला अलग है। और दूसरी चीज है कि आप निकालना चाह रहे हो ये वेक्टर प्रोजेक्शन, मतलब ये जो प्रोजेक्शन बन रही है ना इसको वेक्टर की फॉर्म में आपको चाहिए, मतलब ये पूरा वेक्टर आपको मालूम करना है। पिछले वाले केस में आप इसके मैग्नीट्यूड से बस आपका लेना देना है, बल्कि दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपको बताएगा कि यार वेक्टर फॉर्म में क्या बन रही होगी प्रोजेक्शन। तो दोनों फॉर्मूले में डिस्कस कर लूंगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो भाई, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जान कभी भी नहीं छोड़ेगी आपकी, ये थीटा बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आप यूज करो यहाँ पे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बी ए, आई गेस क्या बी ए नाम दिया होगा ना प्रोजेक्शन, इन्होंने क्या नाम नहीं दिया, सिंपल बी नाम दिया है, लेकिन बी ए का मतलब है कि बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर ये पूरी है ना, तो बेस इस राइट ट्रायंगल का क्या है बी ए और हाइपोटेन्यूज क्या है बी के बराबर है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी ए अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं एरो नहीं लगा रहा इसका मतलब समझ दो ये फॉर्मूला। तो यहां से बी ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी ए का फॉर्मूला आ जाएगा बी कॉस थीटा, इसका मतलब इस पूरी चीज की लेंथ क्या है बी कॉस थीटा के बराबर है। ये प्रोजेक्शन का पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको इस प्रोजेक्शन की मतलब बी की ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन पड़ रही होगी उसकी लेंथ अगर आपने मालूम करनी हो किसके बराबर होगी, बी कॉस थीटा के बराबर होगी। फिर थीटा आपको पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और बी आपको जो भी वेक्टर गिवन होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है प्रोजेक्शन मालूम करने का, लेकिन इस फॉर्मूले को कभी भी आपने इस फॉर्म में देखा नहीं होगा, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा रिफाइन कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। वो रिफाइन पता है किस तरह होता है, इस फॉर्मूले को आप ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो ताकि डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, आप इस बी कॉस थीटा को ना मल्टीप्लाई कर दो ए के मैग्नीट्यूड से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ए के मैग्नीट्यूड से। अब जो ऊपर वाली चीज है अगर आप ऑब्जर्व करो पूरा डॉट प्रोडक्ट है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा जो किसके बराबर होगा, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी ए डॉट बी के डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, जिसको खाली हम ए भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का जो नॉर्मली यूज हुआ जाता है कि आप डॉट प्रोडक्ट जो आपके पास आया है उसको डिवाइड कर दो ए से, तो आपके पास प्रोजेक्शन की लेंथ आपको मिल जाएगी। ये भी कोई फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, आपने देखा ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मे बी आपको सवाल में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दें और डॉट प्रोडक्ट आपको दे दें, तो एंगल का कोई चक्कर ही ना हो वहां पे, मे बी आपको बी ना पता हो, मतलब कोई चीज मिसिंग हो, आपको जस्ट डॉट प्रोडक्ट और ए पता हो ए का मैग्नीट्यूड, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगी, मतलब बी ए ये जो पूरी लेंथ है प्रोजेक्शन की आपके पास आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है, निकाला आपने इसी तरीके से, सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, जो इसका आंसर होगा वही उसका आंसर होगा, डेटा पे डिपेंड करता है, थोड़े फॉर्मूले को जनरलाइज उन्होंने कर दिया। ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अगर आप बात करो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, बस फर्क क्या हो जाएगा, नीचे बी आ जाएगा, बस ऊपर अभी भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा, बस नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये बुक में मिल जाएगा आपको, इसलिए इतना मैं नहीं लिखवा रहा आपको, क्या लिखवा देते कोई बड़ी बात नहीं है, ए डॉट बी आपने करना है और उसको डिवाइड करना है बी से। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको आप बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, और ये फॉर्मूला था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अब जिस सवाल में आपको इसके सवाल बुक में आपको मिलेंगे, तो सिंपल हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये मिलेगा आपको 9.5 के अंदर, और फर्स्ट ईयर की मुझे नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज के अंदर है ये, कि डॉट प्रोडक्ट निकालना उसको डिवाइड करना ए के मैग्नीट्यूड से, आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोजेक्शन का टॉपिक है। अब यहां तक कोई सवाल, तो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रोजेक्शन दो किस्म की होती है, एक में आप इंटरेस्टेड होते हो कि उस प्रोजेक्शन की लेंथ क्या है, ये वो टॉपिक था कि लेंथ निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एक टॉपिक क्या होता है प्रोजेक्शन में कि आपको जो प्रोजेक्शन आई है ना उसका वेक्टर निकालना है,
मतलब ये पूरा वेक्टर आपको चाहिए। तो अब ये वेक्टर तो नहीं देगा, ये तो आपको कोई नंबर दे रहा होगा ना, डॉट प्रोडक्ट नंबर होता है, ए नंबर होता है ए का मैग्नीट्यूड। तो उसका मतलब इस पूरे वेक्टर को आप कैसे निकालोगे। तो अगर मैं आप लोगों से सिंपल सवाल पूछूं मुझे ये पूरा वेक्टर निकालना है, तो कोई आइडिया दे सकता है पूरा वेक्टर कैसे आएगा ये वाला प्रोजेक्शन वाला? आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें। एक्सेलेंट, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? हाँ हाँ, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? सर क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ आपने बोला ना डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? नहीं समझ आ रहा है ना को सवाल से? हाँ बोलो दोबारा क्या कह रहे हो? थीटा ना, ये डायरेक्शन वो वाली नहीं है। इस वेक्टर, ये जो जो प्रोजेक्शन है ना, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में ना, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन आपको निकालनी है। यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बड़ा इजी होता है। मैं देखो, मैंने पहले बताया था कोई भी वेक्टर निकालने के लिए दो चीजें बतानी चाहिए, तो यहाँ पे बार बार चीज सिखाई है आप लोगों को, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या काम किया था आपने, ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, उसको मल्टीप्लाई किया था आई से, क्योंकि आपने एक्स के अलॉन्ग उसको, ये सिंपल प्रोजेक्शन ही है, ये आपने प्रोजेक्शन किया है एक्स के अलॉन्ग, दैट्स व्हाई आप यूनिट वेक्टर आई यूज करते थे। ये जो आपकी प्रोजेक्शन है ना, ये कोई एक्स एक्सिस के अराउंड नहीं है, दिखने में आपको लग रहा है कि ए जो है वो एक्स एक्सिस के है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ये भी तो सिचुएशन बन सकती है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे इसके ऊपर जो भी है, तो ये डायरेक्शन आई की डायरेक्शन थोड़ी ना, इसका मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए आई नहीं ले सकते। आई आप उसी वक्त लेते हो जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन निकाल रहे होते। तो कहने का मतलब आपको डायरेक्शन चाहिए। आप डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मकसद ही क्या होता है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर ऑफ पॉइंट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपको मैग्नीट्यूड तो मिल गया, इस फॉर्मूले ने आपको मैग्नीट्यूड दे दिया था ना, कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए। इस मैग्नीट्यूड को आपने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये चीज किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, तो आप ए का यूनिट वेक्टर निकाल दो। ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैं सिंपल ए लिख देता हूं। तो ये है डायरेक्शन, ये आपको जस्ट डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि आपने वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब एक वेक्टर है, आप उसके मैग्नीट्यूड को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो पीछे क्या बचेगा? डायरेक्शन बचेगी। इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह भी कह सकते हो, ए को ए से कैंसिल कर दो, पीछे डायरेक्शन बच जाएगी। करना नहीं बस, लेकिन ऐसे हो सकता है कि वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, तो मैग्नीट्यूड तो बेचारा कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचेगा? डायरेक्शन बचेगी। तो ये जो पूरी डायरेक्शन है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना मैग्नीट्यूड से। ये स्पेक्ट्रम का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन से, तो मैग्नीट्यूड था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। तो आपने इस चीज को और इस चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हो, तो आप इस तरह लिख सकते हो कि ए डॉट बी, जो भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट आएगा उसको, ये कोई स्केलर आएगा, कोई नंबर आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से ए मल्टीप्लाई ए, ये भी कोई नंबर आएगा, ये भी चीज नंबर, ये भी चीज नंबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए से, तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। तो ये भी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, जो कि आपको इतना नॉर्मली नजर आएगा नहीं, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, ये आपको जो प्रोजेक्शन है, जो शेडो है, उसको एज अ वेक्टर की फॉर्म में देगा, जबकि ये फॉर्मूला जो है, ये आपको शेडो का बस मैग्नीट्यूड बता दे। तो अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो कुछ नई चीज होना तो मजा आए ना, वरना ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ी ली है काफी। तो ये एक और टॉपिक था, ये भी खत्म हो गया। अच्छा, अभी बहुत ही मशहूर है जमाना, आपके पास एक एमसीक्यू में चीज पूछी जाती है के आई डॉट आई क्या होता है, इसी तरह जे डॉट जे, इसी तरह के डॉट के, तो ये किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। ये तो मेरे ख्याल में सबको पता होनी चाहिए बात, वन के बराबर क्यों होता है ये मुझे बताओ। ये नहीं पता किसी को, सेम यूनिट वेक्टर है तो जीरो क्यों, सेम वेक्टर में जीरो क्यों होता है? अगेन वो क्यों नहीं बता रही आप मुझे, आप ऑब्जर्वेशन बता रही हो कि सेम होता है तो जीरो होता है या वन होता है, दीदी क्यों होता है ऐसा? ये वही बात है ना, अलग फैक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई नया नंबर आता है, ये इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है? याद नहीं मुझे ज्यादा खास याद नहीं है, ज्यादातर आप लोगों के जवाब होते हैं ना, मुझे वही चीज ध्यान में आती है, जो साइंस है ना वो दुनिया की चीजों को वो बता देती है कि ऐसा होता आ रहा है।
जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, जितने भी आपके फिजिकल जो भी साइंस आपने पढ़ी है ना पूरी, साइंस आपको बताती है कि ये चीज हो रही है, लेकिन ये नहीं बताती ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो है ये अल्लाह ताला की इन्फॉर्मेशन है, साइंस बस आपको बता दी कि ऐसा चीज हो रही है, लेकिन आप पूछो कि ऐसा हुआ क्यों, नहीं पता आपको। एक धमाका हुआ था दुनिया कायनात में, दुनिया पूरी दुनिया बन गई थी, बिग बैंग थ्योरी, ऐसा हुआ क्यों था ये किसी ने नहीं बता, या ऐसा किसने किया था तो उसके पीछे हम बोलते हैं गॉड ने किया था। तो आप लोग सवाल के जवाब यही देते हो सर ऐसा होता है सर, क्योंकि आप उनके पॉइंट एक्सेप्ट कर लिए। बोलो सर, मे बी शायद एंगल की वजह से, एंगल का डिफरेंस हो, हां एंगल की वजह से है, लेकिन cos 01 होता है एक्चुअली, cos 0 होगा, cos 0 होगा तो फिर तो 0 हो जाएगा। अरे i डॉट i मतलब मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को, cos इनके दरमियान 0 होगा तो उसे हां 0 होना चाहिए। हां तकरीबन यही है। देखो जब दो वेक्टर्स है ना i और i, इनको आप पैरेलल वेक्टर्स कहते हो। अच्छा हमने अभी तक ना पैरेलल लाइंस के बारे में ये पढ़ा था कि इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं, लेकिन वेक्टर के अंदर पैरेलल का वर्ड सिर्फ इनके लिए आप यूज नहीं करते कि दो वेक्टर इस टाइप के होंगे बेशक लेंथ में कुछ फर्क हो तो आप बोलो ये पैरेलल है ना। पैरेलल के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, आप इन दोनों वेक्टर के साथ भी लिख सकते हो इस तरीके से, इन दो वेक्टर को भी आप पैरेलल बोलोगे। ये जो भी मैंने ये बताया नहीं था कि मैंने कहा और कंफ्यूज होगे, जो भी रेजोल्यूशन वाला टॉपिक करवाया है उसमें एक दूसरे के ऊपर थे ना, तो बुक में देखना पैरेलल की वर्डिंग यूज हुई है, तो आप इन दो को भी पैरेलल कहते हो, कोलिनियर भी कह सकते हो क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है। तो कहने का मतलब अगर आपको बोला सवाल है फॉर्मूला क्या होगा ना, कि मतलब इसका मैग्नीट्यूड इस वाले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब अगर आप देखो एक वेक्टर का अपने से क्या एंगल होगा, जैसे एक वेक्टर है आई, उसी का अपने से क्या एंगल होगा, जीरो होगा। जब तक दो वेक्टर दूसरे के ऊपर है तो उनका जीरो होगा, और वेक्टर्स के अंदर आप प्रॉपर बता सकते हो, लाइंस के अंदर आप बता नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर दो लाइन इस तरीके से हैं तो आप उसमें बता नहीं सकते थे कि जीरो एंगल है 180 है, तो हम कहते थे कि जीरो ही एंगल है। दैट्स व्हाई सेकंड में इंक्लिनेशन में आप 180 डिग्री नहीं देते थे, क्योंकि आपको नहीं पता हम दो लाइन्स के दरमियान एंगल जीरो बन रहा है 180 बन रहा है, क्योंकि वेक्टर्स तो नहीं है वो। लेकिन वेक्टर्स के अंदर आप बता सकते हो ये अगर दो वेक्टर है ना तो इनके दरमियान जीरो एंगल है, और अगर मैं इस तरह बनाऊं तो अब इनके दरमियान 180 डिग्री है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में बन रहा है एक इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो वेक्टर्स के अंदर आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि जीरो एंगल क्या है 180 डिग्री एंगल क्या है, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता होती है। तो बहरहाल अगर आई और आई ये दो वेक्टर हैं तो ये किस टाइप के बनेंगे, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर, मतलब एंगल इनके दरमियान क्या होगा जीरो होगा, और जब एंगल जीरो हो जाए कॉस जीरो क्या होता है वन के बराबर, और थीटा आपका यहाँ पे क्या होगा, थीटा यहाँ पे होगा सिंपल कॉस जीरो, थीटा जीरो है यहाँ पे। और ये आई और आई क्या होगा भाई, सिंपल ये आई के मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो तो ये वाली चीज भी वन होगी, ये वाली चीज भी वन होगी और cos 0 भी वन होगा। इसका मतलब सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, सेम यूनिट वेक्टर नहीं आई और आई, क्योंकि यूनिट वेक्टर और भी हो सकते हैं, वहां भी चीज वैलिड है। हाँ कोई भी यूनिट वेक्टर हो हर जगह वैलिड हो, कोई भी यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो वो भी हमेशा वन होगा। तो सेम यूनिट वेक्टर का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लोगे हमेशा आंसर वन। तो ये मैंने चीज लिख दी। और अगर जो सेम नहीं है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, जैसे आई और जे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने आपको बताया था इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हो, जिसमें एक्स वाई जेड जो भी है सब आपस में 90 डिग्री बना रहे होते हैं। तो आई और जे 90 डिग्री, जे और के 90 डिग्री, आई और के 90 डिग्री, ये सारे यूनिट वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है कॉस 90 क्या होता है जीरो के बराबर, तो ये चीज जीरो हो गई, इसका मतलब सब चीजों को जीरो कर देगी, आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। यही चीज बुक ने लिखी हुई है, देखना है इसको। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप लोगों ने देखा है, डिपेंड करता है आपको सवाल में क्या डाटा लिखा है ना उसके मुताबिक आप सॉल्व करते हो। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला। तो एक तरीका तो एक है, सवाल में अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता हो, बी का मैग्नीट्यूड पता हो और आपको एंगल पता हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इस सिचुएशन में आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो मैं बताने लगाऊंगी, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले की डिमांड ये कि आपको वेक्टर्स पता हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको जस्ट मैग्नीट्यूड दे दिया जाए कि ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, एंगल उनके दरमियान 45 है, अब आप यही वाला फॉर्मूला यूज करके डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, कोई और फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ए को वेक्टर की फॉर्म में दिया जाए
आपको बोला जाए ए के कंपोनेंट आपको दे दिया जाए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरीके से बी आपको दे दिया जाए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, आपको वेक्टर फॉर्म दे दी जाए और अब आपको बोला जाए कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, बेशक इनके दरमियान एंगल भी आपको ना बताओ, आपको बस ए और बी दो वेक्टर दे दिए जाए और बोला जाए कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो अब फॉर्मूला क्या होगी? तो इसका टॉपिक का नाम क्या होता है? एक्सप्रेस द डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, के डॉट प्रोडक्ट को आपने कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना है सिंपल लैंग्वेज में। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा अगर ये दो वेक्टर इस तरह गिवन है? तो सिंपल ए एक्स को मल्टीप्लाई करो बी एक्स से प्लस ए वाई को मल्टीप्लाई करो बी वाई से प्लस ए जेड को मल्टीप्लाई करो बी जेड से। इसको हम कहेंगे क्या कि आप इन दोनों के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो एक्स कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, वाई कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, आपस में ऐड करो, आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी सिचुएशन में यूज हो सकता है, इस वाली सिचुएशन में यूज नहीं हो सकता। जबकि अगर ये सिचुएशन दी जाए आपको थीटा दे दिया जाए इनके दरमियान, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। या अगर थीटा ना भी दिया जाए तो फिर वो बहुत ये सवाल फिर इस फॉर्म में आएगा कि अगर आपको ये दो वेक्टर दे दिए जाए और आपको बोला जाए थीटा निकालो, तो पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, जब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर वहां से आप थीटा निकाल लोगे। ये सारे सवाल 9.5 में मिलेंगे और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनकी बहुत सी एक्सरसाइज है, उनकी एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें हम इस किस्म के सारे सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, ये भी आपको बताना चाहिए। अच्छा जी, कभी आपको बोला जाए कि यार अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर है तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा? अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए परपेंडिकुलर। अभी आपने देखा था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, या अदर लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का वर्ग है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो इसके सवाल भी काफी है, ये काफी फेवरेट सवाल है सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही मशहूर सवाल है कि वो आपको बोल देंगे कि यार आप यहाँ पे निकालो क्या कहते हैं कोई भी अननोन की वैल्यू निकालो, किसी ए या बी में ना कोई अननोन आ रहा होगा, मतलब कोई ए या बी सी इस तरह कुछ आ रहा होगा, वो आपको बोलेंगे वो अननोन की वैल्यू निकालो, कंडीशन क्या देंगे? डॉट प्रोडक्ट इसका, या बोल देंगे कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है इनका। तो सिंपल आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद आप जीरो के बराबर रखोगे क्योंकि सवाल में आपको पता है वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होगा और उस कंडीशन को सॉल्व करके आप फिर वैल्यू निकाल दोगे। शायद फर्स्ट ईयर में भी ये सवाल हो, तो ये काफी मशहूर सवाल है। अच्छा जी, और प्रूफ करने को भी आपको दे सकते हैं, ये एग्जांपल मिली है मुझे फर्स्ट ईयर की, इसमें उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो कि दो वेक्टर, या चेक करो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, तो आप जस्ट उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं है, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब जो आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इसी तरह प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की भी होती है। डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि वो कमोटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कमोटेटिव नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी करो या आप बी डॉट करो, ए की बात होती है, तो इसको हम कहेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं, तो एक डॉट प्रोडक्ट है और एक एडिशन है। तो क्या मतलब है इसका कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है कि आप इस डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब आप इसको लिखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं, आप डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन दो के दरमियान, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये एमसीक्यू तो पूछी जा सकती है, छोटी छोटी बातें, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। डायरेक्शन हो गए, डायरेक्शन को साइन का टॉपिक हो गया। अच्छा, फिर आखिरी चीज ये आई गेस वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे निकालना है, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो। एंगल क्या होगा? अच्छा चलो, डॉट, हाँ ये फॉर्मूला है कि अगर आपने एंगल निकालना हो ना, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे ए और बी के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उससे आप कॉस इनवर्स करना, आपके पास वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी।